throat. Yeah. नमस्कार अनुज भैया. नमस्ते शर्वण जी. ये हमारा स्टैलियन है. ओके. राजवर्धन सायड बाय शौर्य. और इसकी मदर निखिल माथुर साहब के पास कावेरी करके थी. अच्छा. निखिल माथुर साहब जो जोधपुर में है, उनके पास एक काली घोड़ी थी कावेरी. कावेरी तो उस पे जब शायद नरुका जी के पास था शौर्य, तब उन्होंने ब्रीड कराया था शौर्य से. अच्छा. और ये पंच कल्याण ठीक है बच्चा आया था. ओके, ओके. और ये अभी मेरे ख्याल से इसकी उम्र 5-5.5 साल, 5 साल के आसपास होनी चाहिए. 5 साल के आसपास. हाँ, 5 साल उम्र है और पंच कल्याण है. ठीक है. ब्रीडी ये जोधपुर में हुआ है नरुका साहब? बिल्कुल. हाँ. सताना स्टेबल्स. हाँ. उस टाइम में उनके पास था सब वो शौर्य. जब उनके पास शौर्य था, उसके बाद शौर्य गया ए के जडेजा जी के पास, और उसके बाद गया रिलायंस. फिर रिलायंस में चला गया. हाँ ठीक है. अब लग स्टैलियन है बढ़िया, 67 इंचेस के आसपास का ऐसा बोलते हैं. अच्छा घोड़ा है वो. और वो है आपके पास कितने टाइम से है ये? ये मेरे पास 2 साल से है. अच्छा, दो साल से. दो साल से है. जो दो रिजल्ट आपने मेरे को दिखाए थे वो दोनों भाई वो इसी दोनों के इसी के ही हैं. वो इसी के हैं. हाँ. और ये पंच कल्याण हो गया. ये पंच कल्याण हो गया. ठीक है. पंच कल्याण हो गया. आपके पास कितने टाइम से बताया? दो साल से मेरे पास है. जब ये दो दांत का था तब मैं लेके आया था. अच्छा अच्छा. उदयपुर साइड वाना गाँव में एक डांगी जी है, उनके पास था ये. अच्छा. उनसे मैं लेके आया था और तब इसने दो दांत करे ही थे. अच्छा. जब आप लेके आए थे तब? जब मैं लेके आया था. और इस बात को 2 साल हो गए. अच्छा अच्छा. तो अच्छा, इसके मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये 5 साल के आसपास का है. ओके ओके. तो इससे और भी घोड़ियाँ ब्रीड हुई है क्या, या आपकी हुई है? और भी घोड़ियाँ ब्रीड हुई है. अच्छा. दो तो पास में ही है बड़ोली में, एक अबलक घोड़ी है और एक इसकी एक बच्ची भी है. जो लास्ट जो मेरे को ध्यान था वो थी ये नांदोई वालों ने, जितेंद्र सिंह जी नांदोई जो हैं नांदोई के, उन्होंने एक घोड़ी ब्रीड कराई थी. अच्छा. उससे एक बच्ची हुई थी. वो लास्ट मेरे को जो पता है वो बच्ची उनके यहाँ थी. ओके. नरलाई में थी. हाँ. अच्छा, इसी की बच्ची. अब आइडिया नहीं वो कहाँ है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. हाइट कितनी बताई इसकी आपने? हाइट इसकी 63.5 के आसपास की है. 63.5. तो अपने जो फार्म का मेन घोड़ा यही है मतलब? बिल्कुल. हाँ जी. ब्रीडिंग पर्पस के लिए आपने रख रखा है? हाँ जी, यही घोड़ा है. हाँ ठीक है. और पूरा पंच कल्याण हो गया ये. बराबर पैर वाइट है इसके. और चारों पैर में पदम है. अच्छा, पदम भी है. हाँ बिल्कुल सही है. अच्छा, स्टर सर्विस के लिए ओपन है. तो क्या फीस रख रखी है आपने इसकी? इसकी बहुत नॉमिनल फीस रख रखी है अभी, 15,000 रुपये. अच्छा अच्छा. और आसपास की घोड़ियाँ देख के ब्रीड करा देंगे. चलो अच्छी बात है. और एक जैसे आपके पास 9-10 एनिमल है तो एक स्टेलियन तो होना जरूरी है. हाँ हाँ. ठीक है अनुजी जी. ये भी एक बच्चा है अपने पास. अच्छा. ये विजय देव का है. विजय देव जो उदयपुर में है, उसी का ही डायरेक्ट बच्चा है. ओके ओके. और ये करीब ये 4 दांत कर चुका है. 4 दांत कर चुका है अभी? 4 दांत कर लिया है अभी, जस्ट करा है 4 दांत. ओके ओके ओके. ये थोड़ा ओवरवेट हो गया था.
अच्छा थोड़ा वीक लग रहा है अभी ये। हाँ ये थोड़ा ओवर वेट हो गया था, फिर हमने इससे इसका थोड़ा वेट रिड्यूस करा। ओके ओके, तो अब ये फिर से उस कंडीशन में आने में एक महीना। अच्छा, एक महीने में ये पूरा तैयार हो जाएगा। ओके ओके, तैयार हो जाएगा वापस। हाँ। है ना। ओके, तो विजय देव का हो गया ये। हाँ ये विजय देव का हो गया है और पूरा एक रंगा है मार्किंग में और पूरा एक कलर का है, चारों पैर काले हैं बस, बाकी पूरा कुमेत रंग का है और कान आप इसके देखिए बहुत फाइन कान है। बस कान बहुत फाइन है इसके, बहुत सुंदर सुंदरता भी है। हाँ कट पॉइंट में और सारी चीजों में बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये। तो अनुज जी ये भी आप ब्रीडिंग के लिए रख रहा है या क्या है आप इसका? ये एक्चुअली अब तो खैर मेरे पास स्टैलियन ऑलरेडी एक हो ही गया है और मैं बच्चे भी तैयार कर ही रहा हूँ। ओके, मेल्स काफी हो गए हैं। अच्छा, एक स्टैलियन भी हो ही गया है राजवर्धन और बच्चे भी अभी तैयार हो रहे हैं। ओके, तो अगर कोई होगा जो इसको अच्छा इसका बढ़िया देखभाल करेगा, अच्छा घर मिले इसको, अच्छा घर मिलेगा तो अपन इसको निकाल सकते हैं, दे सकते हो मतलब, है ना, तो इसको दे सकते हैं। ओके ओके ओके, चार दांत हो गया, क्या हाइट होगी अभी इसकी? ये चार दांत हो गया है, इसकी हाइट 62 के आसपास है अभी। 62 के आसपास। हाँ जी ठीक है। और प्रवीण जी कोठारी साहब से वहाँ से लेके आए थे आप इसको? बिल्कुल। ओके ओके, उनसे लिया था। ये ब्रीड वहीं पे हुआ होगा? वहीं पे ब्रीड हुआ है। ओके, अपन तो बच्चा लेके आए थे जब ये करीब 25-30 दिन का बच्चा था, तो इसकी माँ को और इसको साथ में लेके आए थे। अच्छा अच्छा, कान वान बहुत बढ़िया इसके भी, बहुत सुंदर है।